हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो आपको अच्छी ना लगे ना तो कर देना डिसलाइक दोस्तों। आज लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि आज है गाइस हमारे पास काफी अमेजिंग और डिफरेंट चीजें गाइस। और एक तो ऐसी चीज है ना गाइस जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी गाइस, और ये तो है दोस्तों वैसे पेंसिल शार्पनर। ऐसा पेंसिल शार्पनर आपने कभी भी नहीं देखा होगा, लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, पक्का 100%। चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक दोस्तों, अगर ना अच्छी लगे ना तो कर देना इस वीडियो को डिसलाइक दोस्तों। आज मैं खुल के बोल रहा हूं दोस्तों, और चैनल को तो प्लीज कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली तरफ से। और गाइस आज है हमारे पास एक काफी अमेजिंग और काफी प्यारा सा यूनिकॉर्न का प्रीमियम गिफ्ट पैक गाइस, काफी अमेजिंग है दोस्तों ये तो। और एक है गाइस हमारे पास पिगी बैंक, एक है गाइस छोटा सा स्टेशनरी सेट, और एक है गाइस हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, और है गाइस बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं गाइस। बाकी चलो इन सबको ओपन करते हैं, रिव्यू करते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इन्हें मैंने कहां से परचेज किया है और इन सबका अच्छे से रिव्यू भी करूंगा दोस्तों। बाकी चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाता हूं ये पेंसिल शार्पनर दोस्तों, काफी डिफरेंट है, काफी अमेजिंग यूनिकॉर्न का ये पेंसिल शार्पनर है दोस्तों। निकालता हूं बॉक्स से, और इसे मैंने परचेज किया है ऑफलाइन दोस्तों। मेरे इधर एक शॉप है, उस शॉप से मैंने इस पेंसिल शार्पनर को परचेज किया है दोस्तों। काफी सुंदर सा, बिल्कुल सिंपल था बट बहुत ही यूनिक है। वो यूनिक क्यों है दोस्तों, चलो मैं आपको बता दूं। तो ये देखो दोस्तों, हम पेंसिल को तो इधर डालेंगे बट शार्प कैसे करेंगे, उसके लिए गाइस हमें यहां मिलता है गाइस एक पार्ट, और इस जगह गाइस हम डालेंगे अपनी बैटरी सेल दोस्तों। तो सेल ले आता हूं दोस्तों फटाफट, और फिर लगाते हैं हम जगह इस जगह सेल दोस्तों। तो दो सेल लगते हैं, मोटे वाले सेल लगते हैं दोस्तों इसके अंदर। एक सेल इधर लगा देंगे, सेकंड सेल इधर लगा देंगे दोस्तों। ये देखो सेल लगा दी हमने, और इस तरह से लगा देंगे, और शार्पनर हो गया बिल्कुल रेडी दोस्तों। और इस जगह पेंसिल डालेंगे, ये देखना ऑटोमेटिक पेंसिल को शार्प करने लगेगा गाइस। और ये है दोस्तों ऑटोमेटिक पेंसिल शार्पनर, वो कैसे दोस्तों चलो मैं दिखाता हूँ। ये है दोस्तों हमारे पास एक पेंसिल, काफी जबरदस्त और काफी प्यारी सिंपल। इसके अंदर मैं घुसा दूंगा पेंसिल को, और देखना ये देखना अपने आप ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। ये देखो ये देखो ये देखो, है ना, चलो दिखाता हूँ। देखो देखो पेंसिल शार्प करेगा, ये देखो ये देखो पेंसिल तार को ऑटोमेटिक दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये देखो दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और ऑटोमेटिक पेंसिल शार्प हो गई। ये देखो दोस्तों, है ना गजब का और काफी अमेजिंग शार्पनर दोस्तों। और सारा कूड़ा इस तरह निकाल लेंगे हम दोस्तों, और फिर फेंक देंगे दोस्तों। ये देखो सारा कूड़ा, और इस तरह खोल के हम सारे कूड़े को फेंक भी सकते हैं। देखो फेंक देता हूँ आपको दिखाऊंगा, ये देखो फेंक दिया। फिर दोबारा हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे इस तरह से, देखो इस तरह से इंस्टॉल कर लिया। और चलो दूसरी साइड से पेंसिल को शार्प कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली से डाल देना है और थोड़ा दबा के रखना, और पेंसिल होने लगेगा शार्प। ये देखो ऑटोमेटिक शार्प हो रहा है दोस्तों। ये देखो ये यूनिकॉर्न का शार्पनर, आपको कैसा लगा दोस्तों? ऑटोमेटिक वाला ये शार्पनर, हमें बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही, बस इसमें दो शेल लगेंगे और ये शार्पनर पेंसिल को शार्प करने लग गया। और पेंसिल देखो दोस्तों कितने खतरनाक और कितने आसानी से शार्प करने लग गया दोस्तों, है ना गजब और काफी सुंदर था। तो ये शार्पनर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों इसका गिववे चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखना दोस्तों, भैया प्लीज इस शार्पनर का गिववे करो दोस्तों। बाकी चलो इसे साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी प्यारी और काफी सुंदर सी गाइस एक प्रीमियम गिफ्ट पैक, गाइस एक काफी अच्छा सा गिफ्ट पैक है, और ये सेलिब्रेशन वाला है, काफी अच्छा सेलिब्रेट करेंगे अब किसी को गिफ्ट देने के लिए, ये काफी अच्छा एक पैक है। चलो दिखाता हूँ इसके अंदर गाइस हमें क्या क्या मिलते हैं। टेप हटा लेते हैं सबसे पहले दोस्तों, और देखते हैं टेप हटाने के बाद इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है। खोलता हूँ बॉक्स से दोस्तों, और इसमें देखो दोस्तों हमें तीन चीजें मिलती है, तीन नहीं दोस्तों हमें मिलती है चार चीजें, क्या एक दो तीन चार, चार चीजें मिल जाती है दोस्तों। और इसे परचेज किया मैंने अपने इधर के एक शॉप से 200 रुपीज का, और इस पेंसिल शार्पनर को भी दोस्तों मैंने 200 रुपीज का परचेज किया। ऑटोमेटिक शार्पनर बोलते हैं दोस्तों इसे, और दोस्तों ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता है एक काफी प्यारा और काफी सुंदर सा यूनिकॉर्न का एक पेंसिल पाउच दोस्तों। ये देखो कितना सॉफ्ट और कितना प्यारा पेंसिल पाउच है दोस्तों। इसे जिप को ओपन करते हैं, अंदर के स्पेस की बात करते हैं तो अंदर का स्पेस भी काफी अच्छा है दोस्तों। ये देखो गहराई कितनी ज्यादा है इस पेंसिल पाउच की, तो काफी जबरदस्त ये पेंसिल पाउच है दोस्तों। इस साइड रखते हैं, और क्या मिलता है दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है एक की चैन दोस्तों। ये देखो एक की चैन मिल जाता है यूनिकॉर्न का, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग है दोस्तों। की चैन की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है दोस्तों, की चैन मिल गई। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर, तो गाइस इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का बैच दोस्तों। ये देख सकते हो, इसे हम अपने शर्ट पे या अपने किसी भी पॉट पे लगा सकते हैं दोस्तों इस बैच को, तो काफी जबरदस्त और काफी यूनिक चीज मिल जाती है दोस्तों हमें इस पैक के अंदर। और क्या मिलता है, ये क्या है दोस्तों, तो ये क्या है यूनिकॉर्न की, यह है ये डायरी दोस्तों या बुक,
ये नोटबुक दोस्तों, ये देखो एक नोटबुक मिल जाती है, काफी अमेजिंग और काफी बढ़िया नोटबुक है दोस्तों, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और इसके पेजेस की बात करें तो काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं दोस्तों, और पेजेस की क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है दोस्तों। तो काफी अच्छी डायरी मिल जाती है दोस्तों हमें इस सेट के अंदर। तो ये चारों चीज मिलती है दोस्तों, और ये गिफ्ट करने के लिए अच्छी चीज है या नहीं है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो इसे साइड रखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी प्यारी और काफी सुंदर सी मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। गाइस ये मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है, यूनिकॉर्न की है दोस्तों, काफी प्यारी है। डिजाइन देखो कितना सुंदर बना हुआ है गाइस, और यूनिकॉर्न सो रहा है इस जगह, तो स्माइल कर रहा है और इस जगह सो रहा है यूनिकॉर्न, अमेजिंग है दोस्तों। और देखते हैं इसके अंदर कितना स्पेस मिलता है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज किया 150 रुपीज की दोस्तों, मेरी इधर शॉप है उसी शॉप से इस ज्योमेट्री बॉक्स को परचेज किया है। ओपन करता हूँ दिखाता हूँ अंदर का स्पेस। तो अंदर गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है, और देखो कितना बड़ा स्पेस है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा स्पेस है, काफी अमेजिंग स्पेस मिल जाता है। और गाइस हमें इसके अंदर मिलता है ये देखो एक पेंसिल लॉक दोस्तों, और इसमें कितने पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, और डुअल पेंसिल लॉक है दोस्तों, आप देख सकते हो काफी जबरदस्त है और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और इस जगह हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है इसमें हमें एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें हम अपने क्लास शेड्यूल को लिख के रख सकते हैं, और इसे हटा के हम अपना आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं इस पॉकेट के अंदर दोस्तों, तो काफी जबरदस्त है। और इसके अंदर गाइस हमें 2 शार्पनर मिल जाते हैं साइड में, और एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर, आप देख सकते हो इस वाले पार्ट को हटाएंगे, छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर, छोटे शार्पनर से गाइस कलर पेंसिल या क्रियॉन्स कलर इरेज शार्प होते हैं, बड़े वाले पेंसिल शार्पनर में दोस्तों हमारी पेंसिल शार्प होती है दोस्तों, काफी गजब है दोस्तों, काफी अमेजिंग दोस्त अच्छे शार्पनर मिल जाते हैं। बैक साइड को ओपन करते हैं, बैक साइड ढक्कन में देखते हैं दोस्तों हमें कितना स्पेस मिलता है। तो बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो कुछ इस तरह स्पेस मिल जाता है, इसमें हमें कोई भी लॉक नहीं मिलता, बट काफी अच्छा स्पेस है जिसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो ये थी मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी प्यारी सी। चलो इस साइड रखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये है दोस्तों हमारे पास स्टेशनरी यूनिकॉर्न ज्योमेट्री बॉक्स। गाइस इसमें स्टेशनरी मिलता है हमें, और इसमें कई सारी चीजें मिल जाती है दोस्तों, स्टेशनरी आपको दिख रही है। बैक साइड में गाइस हमें व्हाइट बोर्ड मिल जाता है दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स से, और ज्योमेट्री बॉक्स की मोटाई देखो दोस्तों कितनी मोटी ये ज्योमेट्री बॉक्स है। ये लॉक है, इस तरह लॉक को खोल लेंगे दोस्तों, ओपन करेंगे दोस्तों, और इसमें देखो दोस्तों हमें कई सारी चीजें मिल गई। क्या क्या मिलेगी हमें, तो मिल गई इसके अंदर गई एक पेंसिल, और पेंसिल देखो दोस्तों हमें इसके अंदर किसकी मिली है, ये देखो ये प्रिंसेस की पेंसिल मिली हुई है, क्या तगड़ा लॉल हो गया गाइस। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, बट अब मैं इसे रिटर्न करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें मिल गई है प्रिंसेस की पेंसिल, और प्रिंसेस का हमें मिल गया है गाइस इसमें स्केल, ये प्रिंसेस का और गाइस, बट हमें इसमें इरेजर मिलता है यूनिकॉर्न का, और हमें मिलता है शार्पनर भी यूनिकॉर्न का, और गाइस इसमें एक मार्कर मिल जाता है जिसके आगे डस्टर है, जिसे हम व्हाइट बोर्ड पे हम अपना वर्क कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें डुअल व्हाइट बोर्ड मिलते हैं, वो कैसे देखो, इस जगह मैंने वी वी के लिख दिया, और एक और दोस्तों इस वाले पार्ट में गाइस हमें एक और व्हाइट बोर्ड मिलता है, इस पे मैंने फन लिख दिया दोस्तों, ये देखो 2 व्हाइट बोर्ड मिल जाते हैं, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग दोस्तों। और इस वाले पार्ट को हटाएंगे तो एक ट्रे है दोस्तों, इस ट्रे में दोस्तों हमें कुछ मैथ के इक्वेशन बॉक्स मिल जाते हैं, और अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं इस ट्रे के अंदर गाइस। और गाइस हमें इस ट्रे को हटाएंगे तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, और इसमें हम अपना काफी सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। गहराई की बात करें तो गहराई भी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। तीसरे वाले कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, तीसरे वाले कंपार्टमेंट में छोटा सा स्पेस है दोस्तों, कम गहराई वाला स्पेस है, बट इसमें भी काफी अच्छा अपना स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। तो 3-3 तो कंपार्टमेंट मिल गए दोस्तों हमें इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, और 2 व्हाइट बोर्ड मिल गए, और इसे परचेज किया था मैंने शायद 250 रुपीज का ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से परचेज किया था दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स को। चलो इसे साइड रखते हैं, और गाइस हमारे पास काफी प्यारे यूनिकॉर्न का ये पिगी बैंक दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है गाइस ये है गाइस मेटल का ये पिगी बैंक, तो ओपन करता हूँ दिखाता हूँ ये पिगी बैंक कैसा है। तो इसे पन्ने से निकाल लेते हैं दोस्तों इस पिगी बैंक को, और ये यूनिकॉर्न का है, काफी जबरदस्त है, घर लुक में है गाइस, हाउस लुक में ये पिगी बैंक है। और गाइस हमें इसमें मिलता है लॉक दोस्तों, ये देखो लॉक है, और इसके साथ मिलती है 2 की, ये देखो 2 छोटी छोटी की मिल जाती है, और ये इस जगह से हम अपने कॉइन या हम अपने मनी डालेंगे दोस्तों। अंदर की गहराई की बात करें तो गहराई देखो दोस्तों कितनी ज्यादा है गाइस, आप देख सकते हो काफी सारे हमारे पैसे आ सकते हैं इस पिगी बैंक में। लुक काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है इस पिगी बैंक का दोस्तों, घर लुक में है दोस्तों ये पिगी बैंक। और इस पिगी बैंक को मैंने परचेज किया ऑफलाइन मार्केट
मार्केट से, मेरी इधर शॉप है उसी शॉप से परचेज किया है, इसे केवल 100 रुपीज का, और ये मेटल का है। सबसे अच्छी बात है हमें तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, जब भी हमें पैसे निकालने होंगे तो चाबी अपने पास रखेंगे और फिर चाबी से हम लॉक को खोल लेंगे और फिर हम अपने पिगी बैंक को खोल के पैसे निकाल लेंगे, तो हमें पिगी बैंक तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो काफी अच्छा है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाते हो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का बिल्कुल छोटा सा स्टेशनरी सेट, और इस छोटे स्टेशनरी सेट में काफी सारी चीजें मिलती है, वो क्या क्या है चलो निकालता बॉक्स से। इसे केवल मैंने 60 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों, और दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या चीजें मिलती है और कितनी आइटम मिल जाती है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें तो आइटम मिलती है 1, 2, 3, 4, 5 पांच आइटम मिल जाती है दोस्तों, पांचों बिल्कुल अलग और डिफरेंट है। तो दो तो मिलती है हमें येलो कलर की यूनिकॉर्न पेंसिल, देख सकते हो वुडन पेंसिल मिल जाती है, दोनों पेंसिल के ऊपर यूनिकॉर्न की फोटोज छपी है दोस्तों, और क्वालिटी काफी जबरदस्त है। गोल्ड पेंसिल मिल जाती है, साइज की बात करें तो काफी लंबे साइज की पेंसिल मिल जाती है दोस्तों हमें इस छोटे से स्टेशनरी किट के अंदर दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है इसके अंदर, गाइस हमें एक यूनिकॉर्न का एक पर्स मिल जाता है दोस्तों, काफी प्यारा क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त कितनी अमेजिंग है। और ये देखो ये पर्स है काफी अमेजिंग, और ये पॉकेट वाला पर्स है गाइस, इसमें हमें पाउच नहीं मिलता, पेंसिल पाउच नहीं, ये है गाइस मनी पॉकेट बैग मिल जाता है दोस्तों, काफी अच्छे। और देखो इसमें एक पॉकेट है, ये दूसरा पॉकेट है गाइस, और एक जिप है दोस्तों काफी बड़ी। देखो इसमें हम अपने को अपने सारे मनी रखेंगे और फिर इसमें मोड़ के हम अपने पीछे वाले पॉकेट में रख लेंगे, और यहाँ देखो चिपकाने के लिए भी काफी अच्छी चीज दी है जिससे हमारे ये पर्स हमारा चिपक जाएगा बहुत ही अच्छे से दोस्तों। तो इसमें और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है इसके अंदर, गाइस हमें मिलता है 15 सेंटीमीटर का एक रूलर दोस्तों, येलो कलर का रूलर मिलता है, इसके ऊपर भी गाइस यूनिकॉर्न की फोटोज छपी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो काफी बढ़िया और काफी प्यारी यूनिकॉर्न की गाइस हमें स्केल मिल जाता है। और गाइस हमें मिलता है इसके अंदर एक शार्पनर, येलो कलर का एक शार्पनर मिल जाता है काफी प्यारा सा। और गाइस ये देखो दोस्तों एक इरेजर मिल जाता है इस सेट के अंदर, तो गाइस ये सारी चीजें मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का बिल्कुल छोटा सा और काफी प्यारा सा ये पर्स दोस्तों, यूनिकॉर्न लुक में, और सबसे अच्छी बात है इसमें गाइस पॉपेट मिल जाते हैं दोस्तों, जब हम बोर हो रहे होंगे तो इन पॉपेट के साथ खेल भी सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। यूनिकॉर्न का है दोस्तों पॉपेट वाला पर्स है, जिप को ओपन करते हैं और जिप के अंदर गाइस हमें मिलती है एक बेल्ट दोस्तों, ये देखो बेल्ट मिलती है, और इस बेल्ट को गाइस हम लगा लेंगे और फिर हम अपने कंधे पे लटका सकते हैं गाइस ये पर्स, पर्स की तरह रेडी हो जाएगा गाइस ये बैग, तो काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग। अंदर की स्पेस की बात करें तो काफी अच्छा स्पेस है गाइस इस बैग के अंदर, और बेल्ट के साइज की बात करें तो बेल्ट के साइज भी काफी बड़ा है दोस्तों, ये देखो इसे हम छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं इस बेल्ट को, ये देखो छोटा और बड़ा भी करने का ऑप्शन है गाइस हमारे इस बेल्ट में, काफी अमेजिंग। और इसे मैंने 150 रुपीज का परचेज किया है, चलो इस साइड रखते हैं। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी प्यारा काफी सुंदर सा ये पेंसिल पाउच गाइस, और ये पेंसिल पाउच काफी अमेजिंग है क्योंकि इसका की चैन वो काफी जबरदस्त है, ये देखो दोस्तों की चैन देखो कितना अमेजिंग है, काफी प्यारा की चैन मिल जाता है, लुक देखो कितना अमेजिंग कितना खतरनाक है। और इसमें हमें जिप मिलती है, एक जिप में गाइस हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप देखो नेट में है गाइस ये पॉकेट, और इसमें हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। सेकंड वाली जिप को ओपन करते हैं, सेकंड वाली जिप में देखो दोस्तों इस फॉर्म को निकाल लेते हैं और इसमें देखो दोस्तों हमारा कितना सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, काफी अमेजिंग है और क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और कपड़े में दोस्तों ये पेंसिल पाउच से मोड़ने के बाद भी देखो बिल्कुल वैसे ही हो गया, ना टूटेगा ना कुछ होगा, बस थोड़ा कभी कभार फट सकता है बस हमारा ये पेंसिल पाउच, तो ये काफी जबरदस्त था। और गाइस ये आपको ये ऑटोमेटिक पेंसिल शार्पनर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगेन मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे हमें सेल डालना पड़ेगा, बस हमें सेल लगेंगे इसके अंदर और फिर हम इस तरह से लगा के सेट कर देंगे और फिर इसके अंदर पेंसिल डालें और ऑटोमेटिक ये शार्प करने लगेगा। दोबारा एक बार आपको दिखाता हूँ ये कैसे शार्प करता है हमारा ये शार्पनर। दो पेंसिल ले आए दोस्तों, एक ग्रीन कलर की, इसे डालता हूँ, देखो ये देखो ये देखो घुसाते ये देखो घूमने लगी, और जब इसे पकड़ लूँगा तो शार्प होने लगी, ये देखो ये देखो पेंसिल कितनी खतरनाक शार्प हो गई है ना, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग, और सारा कूड़ा इसके अंदर हो गया। और गाइस सेकंड वाली पेंसिल को भी शार्प करके दिखाता हूँ, पहले नोक देख लो आप, चलो इस नोक को थोड़ा तोड़ देते हैं दोस्तों, थोड़ा तोड़ देते हैं, ये देखो तोड़ दी मैंने इस नोक को, अब मैं दोबारा डालता हूँ तो डालने पर नहीं दबाना पड़ेगा और इसे पकड़ लेंगे दोस्तों, खाली इसे पकड़ लेंगे और अपने आप ये शार्प होने लगेगा, बस अब इसे छोड़ देंगे। और पेंसिल देखो दोस्तों कितने अच्छे से शार्प हो गई,
खाना काफी गजब काफी सुंदर सा, ये ऑटोमेटिक शार्पनर और कूड़ा देखो सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया। फिर इसके ढक्कन को इस तरह खोल लेंगे और सारा कूड़ा फेंक देंगे दोस्तों। तो है ना गाइस ऑटोमेटिक शार्पनर, आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे ना कर देना इस वीडियो को डिसलाइक दोस्तों, आज लाइक के लिए नहीं बोलूंगा दोस्तों, बट चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों थैंक यू सो मच। और गाइस आपको किसी भी टॉय कलेक्शन की वीडियो या किसी स्टेशनरी किट की देखनी वीडियो देखनी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। और गाइस प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है और फिर मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आता हूँ गाइस आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।